भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित गुजरात का गांव चारण का 10 साल पहले चर्चा में आया। यहां एशिया का सबसे बड़ा सौर पार्क बना था। इस पार्क में 36 कंपनियां काम करती हैं। 5384 एकड़ में फैले इस पार्क से 730 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होती है। 10 साल बाद इस परियोजना का लाभ अब दिखने लगा है। किसानों की जमीन सोलर पार्क में चली गई। इसमें गांव की 400 से 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था। रोजी रोटी का फायदा तो जरूर हुआ है। पहले लड़के नौकरी के लिए बाहर जाते थे, अब उन्हें गांव में भी नौकरी मिल रही है। 50% लोगों को नौकरी मिली, लेकिन 50% को अभी भी बाहर जाना पड़ता है। सोलर से कम इतना तो फायदा हुआ कि अब सब लोग बाहर नहीं जाते। कुछ लोगों को गांव में रोजी रोटी मिलने लगी। रोजी रोटी हाल है। रोजगार के रूप में सोलर पार्क का एक फायदा तो हुआ, लेकिन गांव की चराई की जमीन छिन गई। चारण का गांव में कई चरवाहा समुदाय के लोग रहते हैं। पशुओं को चराकर वे अपना गुजारा करते हैं। इस समुदाय के कई लोग सोलर पार्क की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहले हमारे पास 100 से लेकर 150 भेड़े हुआ करती थी। पहले इन्हें चराने के लिए जगह भी होती थी। अब भेड़ चराने का काम कोई करना ही नहीं चाहता। चराने जाएं भी कहां, कहीं जमीन हो तब ना। पहले हमारे पास बकरियां और भेड़े थीं। हम ऊन और दूध बेचने का काम करते थे। उससे जो पैसा मिलता था उससे सारा खर्च निकल आता था। अब तो खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। हाल तो घनो खर्च होने थी नहीं करता। गौचर के पास कुछ रास्ता नहीं है, कहाँ के पानी की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे पानी की व्यवस्था है वो पानी को व्यवस्था को पूरी बाउंड्री लगा दिया है। वो भी जो सरकारी डैम था उनका नाम साइनिया था, वो साइनिया तालाब में पूरी बाउंड्री लगा के इधर कब्जा कर लिया। भेड़ बकरियाँ गाय भैंस इधर पानी तो नहीं पी सकती है। जो पानी की व्यवस्था है वो तो कब्जा कर लिया जी पी सेल, तो क्या करें लोग। यह गांव पहले से ही सूखा झेल रहा था, लेकिन इस पार्क ने गांव की उन जमीनों को भी छीन लिया जहां से पानी मिलता था। पार्क बनने के बाद रोजगार के मौके भी खत्म होते गए। शुरुआतना दिवसों में ट्रैक्टरों जेसीबी शुरुआती दिनों में स्थानीय लोगों को फायदा हुआ। उन्होंने ट्रैक्टर और जेसीबी खरीद लिए। उन्हें चौकीदार के तौर पर भी नौकरी मिली और कई लोगों को छोटे ठेके भी मिले। उन्हें टिफिन बनाकर बेचने का काम भी मिला। कुछ लोगों ने जेसीबी चलाने का काम भी शुरू कर लिया, जिससे गांव में समृद्धि दिखने लगी। लेकिन जब पार्क पूरी तरह तैयार हो गया तो ये नौकरियां खत्म हो गईं, सिवाय सिक्योरिटी गार्ड और कुछ मजदूरों के। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। पार्क ने एक और वादा किया था, 12वीं कक्षा तक एक स्कूल का। वह भी अब तक अधूरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अन्य पैमाने पर गांव पिछड़ रहा है। हमारे गांव में 8वीं से लेकर 12वीं तक कोई स्कूल नहीं है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं है। GPCL कंपनी की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला है। कंपनी की तरफ से विकास के लिए कोई फंड नहीं है। गांव में हर किसी के लिए मजदूरी का काम भी उपलब्ध नहीं। हमारे पास 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। पीने के पानी और अन्य समस्याओं की तरफ कंपनी ने ध्यान कभी नहीं दिया। कॉल छियो नथी।